कार मेरे YouTube चैनल्स न्यू मित्र राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हम जन आधार और राशन कार्ड के सर्वे फॉर्म के बारे में। दोस्तों सबसे स्टार्ट हुआ था उसके अंदर क्या कुछ दिक्कतें वगैरह चल रही थी, उसमें आधार की PDF अपलोड करनी पड़ती थी, सर्वे फॉर्म को भी अपलोड करना पड़ता, लेकिन इस चीज़ को हटाकर एकदम सिंपल तरीके से उस फॉर्म को कर दिया गया। किस तरह से आपको करना है इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा जानकारी वीडियो दोस्तों पसंद आएगा। जानकारी वीडियो पसंद है तो लाइक करना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जो रेड वाला बटन है इसको दबाना है, पास में बेल आइकन दबा के वाले पे क्लिक करना है ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना समय गवाए चलते हैं मित्र पोर्टल पे। दोस्तों ई मित्र पोर्टल आने के बाद सबसे पहले क्या करना, आपको यूटिलिटी अंदर जो सर्विस है इस पर टाइप कर देना राशन जन सर्वे। जैसे आप राशन जन सर्वे सर्च करोगे तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा राशन जन सर्वे फॉर्म को फिल करने का। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेते हैं राशन जन। राशन जन जैसे हमने सर्च किया था राशन जन आधार सर्वेक्षण का यहाँ पे फॉर्म आ चुका है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी पे जाने के लिए बोला जाएगा तो हम उसको ओके प्रेस करके इसी जो वेबसाइट पे वो हमें रिडायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि कुछ जो सर्वे यहाँ पे कुछ दिक्कत चल रही है तो उसका आप वेट यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो इसने हमें डायरेक्ट कर दिया इसकी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले क्या करना दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं इनरोलमेंट एंड सीडिंग। तब मैं क्या करना, सीडिंग वाले पे क्लिक करना है। सीडिंग में क्लिक करने के बाद सीडिंग टू पे जाना है, उसके बाद हमें PDS सर्वे डेटा सीडिंग पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे राशन कार्ड डिटेल के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे एक बार देखिए यहाँ पे राशन कार्ड का विवरण और यहाँ पे जन आधार का विवरण, तो यहाँ पे दो यहाँ पे विवरण चलते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या दोस्तों, आपको यहाँ पे राशन संख्या वो यहाँ पे टाइप कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पे राशन संख्या एक डाल देते हैं डेमो के लिए, उसके बाद हम सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे दो कस्टमर का नाम आ जाता है, यहाँ पे सुनील कुमार और राकेश कुमार। सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे जो ये जो आपको डेटा दिख रहा है ये दोस्तों यहाँ पे राशन कार्ड का विवरण दिख रहा है। यहाँ पे एक से लेके छह तक का आपको यहाँ पे राशन कार्ड डेटा मिलेगा और सात से लेके यहाँ पे 12 और 11 तक आपको जन आधार का डेटा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जन आधार के डेटा से यहाँ पे मिलाल करना है। तो यहाँ पे क्या करना, सुनील कुमार जोशी है इसके अंदर और यहाँ पे इसके सुनील कुमार। तो सबसे पहले क्या करना, इसका जो आधार है वो आपको आधार में देखना है, इस एक्चुअली आधार में नाम क्या है, जो जन आधार में नाम है वो आधार में। तो आपको क्या करना है, इससे यहाँ पे कॉपी कर लेना। तो चलिए हम यहाँ पे सुनील कुमार को कॉपी करते हैं और यहाँ पे गलती ठीक करें इस पर हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप पेस्ट करोगे दोस्तों आगे का जो कुछ स्पेस है उसको आपको बैक स्पेस से कम कर देना है। उसके बाद आपको इसकी जो एज है वो देखनी है, यहाँ पे आधार में 33 वर्ष है और यहाँ पे जन आधार में 33 है, इसको आपको रहने देना है। उसके बाद में यहाँ कहना आधार संख्या, तो ये दोस्तों आपको आधार संख्या कंपलसरी है आपको टाइप कर देना है। तो हम यहाँ पे इसको आधार संख्या टाइप करते हैं, उसके बाद क्या करना, इसकी डिटेल वगैरह सही। उसके बाद यहाँ पे एक है राकेश कुमार। दोस्तों यहाँ पे देखिए राकेश कुमार है कि जन आधार इनरोलमेंट नहीं है, तो इसको क्या करना, आपको इसकी जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट संख्या वो आपको यहाँ पे कॉपी करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे रिसिप्ट संख्या यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद उस राकेश कुमार को सर्च करेंगे कि सर्च में आता है या नहीं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने नया नाम ऐड करवाया तो वो जरूर आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सर्च वाले बॉक्स में जन आधार संख्या टाइप कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करना, सर्च वाले कॉर्नर पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च वाले क्लिक, यहाँ पे देखिए काफी मेंबर के नाम आ गए जिसका इसमें राकेश कुमार है, तो इसमें हम टिक करेंगे और यहाँ पे राकेश कुमार की डिटेल यहाँ पे आ गई। तो आपको क्या करना, यहाँ पे राकेश कुमार है तो इसके आधार में आपको डिटेल देख लेनी है कि आधार में इसका नाम सही है या नहीं। उसके बाद जैसे ये जन आधार में वो आपको हिंदी में यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो चलिए हम यहाँ पे राकेश कुमार है तो ये सही है, इसी को हम यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करना, स्पेस है वो आपको हटा देना है यहाँ पे बैक स्पेस से। इसकी एज देखिए दोस्तों राशन कार्ड के अंदर 26 है और जन आधार में 29 है, तो आपको क्या करना, इसकी एज वो आधार में देख करके यहाँ पे टाइप कर देनी है। उसके बाद उसका आधार संख्या आपको टाइप कर देना है। तो चलिए हम कर देते हैं और जैसे आपने यहाँ पे कर दिया दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे किसी का नामांकन होना है तो आपको टिक कर देना है। अगर डिटेल पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार की कॉपी यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक इन कर दिया, क्योंकि इसको फॉर्म को ईजी कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का आपको डेटा फॉर्म फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रमाणित वाले पे टिक करना है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा मैपिंग या सीडिंग की जानकारी जन आधार एप्लीकेशन की इंदराज की गई है या मेरे द्वारा फॉर्म भरी की जानकारी मिलान कर ली गई, तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों हम चलिए इसकी जो राशन संख्या फिर से टाइप करके इसके डिटेल को चेक करेंगे कि इसका डेटा सक्सेसफुली सबमिट हुआ या नहीं। तो चलिए फिर से हमें
राशन से क्या टाइप कर देना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों सर्च पे क्लिक करो तो यहाँ पे ऑलरेडी सीटिंग का ऑप्शन आ गया है। तो इस तरह से आप ऑलरेडी सीटिंग पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। राशन कार्ड सीटिंग के अंदर जो भी दिक्कतें आती है इसके मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, राशन कार्ड और जन आधार सीटिंग, तो इसमें जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं किस तरह की क्या क्या आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।